हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनम वर्मा। सो टुडे वी विल सी हाउ टू यूज़ दिस वीट किट। सो अब ये देख रहे हो कि ये रेडी टू यूज़ फुल बॉडी वैक्सिंग किट है। सो ये जैसे जिस तरह से सैलून में इजीली स्मूथिंग फिनिशिंग मिलती है, इस तरह आप इससे भी घर पे भी आराम से कर सकते हो। ये 20 स्ट्रिप्स आती हैं इसमें और इसके इस तरफ 4 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। सो, पीछे देखते हैं, इसका रेट है 199 रुपीज़। इसका 20 स्ट्रिप्स आती हैं इसमें, 199 रुपीज़ की है। और ये 100 रुपीज़ का भी आता है इसमें, उसमें 10 स्ट्रिप्स होती हैं। ये आप इजीली आराम से आप हैंड वैक्स कर सकते हो घर पर। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो पार्लर में जा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आराम से आप घर पे बैठ के अपना लेग वैक्सिंग, हैंड वैक्सिंग एंड फुल बॉडी वैक्सिंग कर सकते हो। मैंने ये पाउडर भी लिया है। तो वैक्सिंग से पहले हम ये पाउडर भी यूज़ करेंगे हैंड पे। चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग में देखते हैं क्या क्या चीज़ आती है इसमें। एक इस तरह से स्ट्रिप्स आती हैं, वैक्सिंग लगी हुई स्ट्रिप्स है। आप इजीली वैक्स कर सकते हो। और ये इसके साथ एक पाउच आता है, बहुत क्यूट सा पाउच है। इसका पैकेजिंग बहुत प्यारा है। इसमें पैकेट में इसके 4 शैशे होते हैं, वाइप्स होते हैं शैशे में। ऐसे टाइप का होता है ये, कुछ इस तरह से में 4 वाइप्स आते हैं। एक मैंने यूज़ कर लिया है पहले ही, आप इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आया था, इसलिए मैं आपको आज डेमो करके दिखाती हूँ। ये इसके वाइप्स आते हैं। ये आफ्टर वैक्सिंग के बाद क्लीनिंग किया जाता है इस वाइप से। इसके साथ एक टेम्पलेट भी आता है, आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन इसके फॉलो कर सकते हो। 3 ईजी स्टेप्स हैं इसके अंदर। नीचे की साइड हिंदी में भी इसको मेंशन किया गया है, इसे फॉलो कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं वैक्सिंग करना। मैंने एक स्ट्रिप लिया है, इसको अच्छे से रब किया है और इसका जो सर्कल नीचे हाफ सर्कल बना है वो नीचे की तरफ लेना है और ऊपर से इसको इस तरह से पिल करना है। पिल करने के बाद आपको एक स्ट्रिप, जो दूसरी स्ट्रिप है, वो उसको अच्छे से रख देना है, कहीं चिपके नहीं। और स्ट्रिप लगाने से पहले आपको पाउडर लगाना है हैंड पे अच्छे से, उसको हैंड पे अच्छे से इसको पाउडर पूरा लगाना है। इस तरह से पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद स्ट्रिप को ये जो हाफ सर्कल ऊपर जो दिया है उसका ऊपर की साइड रखना है और जो नीचे एक्स्ट्रा जगह दिया है वो नीचे की साइड रखना है, जैसे कि आप अच्छे से फिल कर सकते हो उसको, स्ट्रिप को। इस तरह से आपको हैंड पे अपनी स्किन पे स्टिक कर देना है, उसकी पूरी वैक्स जो है उसको अच्छे से स्टिक करना है। इस तरह से आपको प्रेस करना है, जितने अच्छे से आप प्रेस करोगे उतने अच्छे से आपका जो वैक्स है वो स्किन पे लगेगा। नीचे की साइड ही आपको प्रेस करना है इस तरह से, फिर आप नीचे से पकड़ के इस तरह पुल करना है। देखिए कितना रिमूव हो गया मेरे हेयर, जितने भी हेयर थे मेरे हैंड पे वो अच्छे से रिमूव हो गए हैं, जड़ से रिमूव होते हैं इससे। आप अगेन स्टिक कर सकते हो जब तक उसमें वैक्स, तो उसको आप 1-2 टाइम्स स्टिक यूज कर सकते हो। तरह से आपको लगाना है ना, अच्छे से उसको प्रेस करना है, जैसे कि जो भी वैक्स रह गई है उसमें वो अच्छे से स्टिक हो जाए। एंड देन पुल अप, तरह से पुल करना है।
ठीक है। बाकी जो रह गए थे अभी जगह जगह में रह गए हैं मेरे थोड़े से हेयर, तो आपको इस तरह से दोबारा करना है और फुल करना है। अब इस तरह से फोल्ड करके हटा देना है। फिर दूसरी स्टेप्स ली है मैंने, उसी की दूसरी स्टेप है। तो थोड़ा पाउडर लग गया था, कोई बात नहीं, ये अच्छे से फिर इसको चिपकाना है तरह से। अभी पीछे की साइड मैंने चिपकाया है, अच्छे से प्रेस करना है तरह से। जितना अच्छे से आप प्रेस करोगे उतना अच्छे से आपकी वैक्स लगेगी और हेयर रिमूव होगा तरह से। फिर आपको इसको फुल कर देना है। ये देखिए जो मेरे हेयर थे पीछे की साइड से, बैक साइड से जो हमने किया था, वो सारे रिमूव हो चुके हैं। अभी आगे की साइड मेरी वैक्स रह गई थी, तो मैंने अगेन स्टिक करके उसको भी हटा दिया है। अभी बाकी की जो रह गया है हेयर वो भी रिमूव कर लेते हैं। तो मैंने सेकेंड स्ट्रिप लिया है, उसको भी इसी तरह से मैंने रब किया है, खूब अच्छे से रब करना है, जिससे कि वो जो वैक्स लगी होती है स्ट्रिप पर वो मेल्ट हो जाए। फिर आपको ऊपर से इस तरह से, फिर आपको इस तरह से आपको पिल कर देना है, छील देना है उस स्ट्रिप को। फिर आप जो बाकी के आपके हेयर रह गए हैं आप इसी तरह आप स्टिक लगा के अच्छे से प्रेस करके आप कर सकते हो। सो इस तरह से आपके सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे आपके घर पे ही नीट एंड क्लीन हैंड वैक्सिंग हो जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली आराम से हैंड वैक्स कर सकते हो। तो मेरे इस तरह से सारे रिमूव हो चुके हैं बाल, अभी थोड़े बहुत कहीं कहीं रह गए हैं। तो मैं ये देखिए कितने इजीली हेयर रिमूव हो चुका है। इसी तरह से मेरे कहीं कहीं बाल रह गए हैं तो वो भी मैं निकाल देती हूँ इसी तरह से। आप देख सकते हो किस तरह से हेयर रिमूव हो चुका है, कितने नीट एंड क्लीन हेयर रिमूव हुआ है। अभी जो इसका वाइप्स आते हैं इसके संग, उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। हैंड पे वैक्स लगा हुआ है, ये देखिए इस तरह से इसका वाइप्स आता है इसके संग। उसको लगाने के बाद आपके हैंड शाइनिंग भी करता है। ये देखिए इस तरह से आपका जहाँ जहाँ वैक्स लगा हुआ है वो अच्छे से आपको क्लीन करना है। कुछ ऑयल टाइप का रहता है इसमें वाइप्स में, सो आपका हैंड बाद में शाइन करने लगता है।
देखिए कितना नीट एंड क्लीन हैंड वैक्स हुआ है। अच्छे से उसका वैक्स निकाल दीजिए इस तरह से आपको करना है। मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, कितना शाइन कर रहा है मेरा हैंड। वैक्सिंग के बाद ग्लो आ जाता है इस तरह से। तो आप घर पे तो इस तरह से आप हैंड वैक्सिंग कर सकते हो घर पे रहकर, और नीट एंड क्लीन हेयर रिमूव कर सकते हो मेरी तरह। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।